हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हित अभिलाषी शर्मा वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू अगेन ऑन माई चैनल जानकारी हित। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बिजनेस स्टडीज, दैट इज पोजिशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टीनेंट इन वर्ल्ड इकोनमी। भारतीय उप महाद्वीप की विश्व अर्थव्यवस्था विच स्थिति। एक गल ध्यान दो, यह एक्चुअली द हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ इंडिया, उस नाल रिलेटेड ही कोरिलेटेड टॉपिक है। हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया, यह वीडियो मैं डिटेल दे विच इस चैनल पर पा चुका, जिसका लिंक नीचे दे रहा, तुसी उसनू जरूर देखो। उसकी ही कंटिन्यूटी दे विच असी अज दा टॉपिक डिस्कस कर जा रहे हैं, भारतीय उप महाद्वीप की विश्व अर्थव्यवस्था विच स्थिति। एक गल ध्यान दो, फुल स्क्रीन करके देखो, ईयरफोन यूज़ करो, तुसी कॉन्टेंट नू कंप्लीटली ग्रैब कर सकोगे। लेट्स मूव अहेड विद मी टू डिस्कस दिस कॉन्सैप्ट। स्टूडेंट्स, जेकर असी भारतीय उप महाद्वीप की गल करते हैं, जो उप महाद्वीप की गल कर रहे हैं, तो ये क्लीयर है कि इंडिया नाल जो रिलेटड कंट्री सी उस समय भारत का हिस्सा भी सी, उस दे विचों असी उन्हां दी भी गल नाल ही कर रहे हैं जो पुराने समय की गल करांगे, जिवें पाकिस्तान हो गया, बंगलादेश है, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, ये सारे ही उस समय एक आर्थिक इकाई के रूप के काम करते। किस समय की मैं गल कर रहा, ड्यूरिंग एनीशेंट पीरियड। अज जदों असी भारतीय उप महाद्वीप की आर्थिक स्थिति की गल करांगे, जां साडे देश की आर्थिक स्थिति की गल करांगे, तो असी उन्हूं समय के आधार पर अलग अलग हिस्सों वंड के डिटेल च गल करांगे, तां ही कॉन्टेंट असी समझ सकांगे। सब तो पहला गल करते हैं ड्यूरिंग एनीशेंट पीरियड, पुरातन काल। जदों पुरातन काल की गल करते हैं, तो ये भी दो हिस्से ने, एक तो बिफोर क्राइस्ट वाला पीरियड है, BC ते AD के रिगार्डिंग कंप्लीट वीडियो जो हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ इंडिया, उस दे विच मैं डिस्कस किया इस टॉपिक नूं, तुसी उसनूं जरूर देखो। जो अज तो 2021 साल पहला की गल करिए, उस तो पहला वाला पीरियड ते उस तो बाद वाला, उस तो पहला वाले पीरियड दे विच भी जेकर 600-700 साल असीं पिछे जाके देखिए, एक गल क्लीयर है कि इंडियन इकोनमी वाज अमंग द टॉपेस्ट इकोनमी ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया दीआं टॉप मोस्ट अर्थव्यवस्थावां दे विचों भारतीय अर्थव्यवस्था सी। यही कारण है कि हर एक दी एक आर्थिक नज़र दा केंद्र बन के रहा साडा देश। हर एक इनवेडर ने चाहया कि इस देश नूं जिन्ना लुट्टिया जा सके लुट्टिया जावे। हर एक शासक जिसने साडे देश दे उत्ते आके आक्रमण कीते, उन्हां दी इच्छा ही हुंदी सी कि इत्थे दे रिसोर्सिज़ नूं लेके जाया जावे। कारण की सी कि साडा देश बहुत समृद्ध सी। फिर जेकर असी अज जिहड़े 2021 साल है, इहदे विच स्टार्टिंग दे 700 साल की गल करते हैं, फ्रॉम 1st century to 7th century तक की गल करिए, उस दे विच भी इंडियन इकोनमी वर्ल्ड दियां स्ट्रोंग होल्ड इकोनमीज़ दे विचों एक सी। इट वॉज क्वाइट क्लीयर, इट हैज़ डिपिक्टड इट्स प्लेस अमंग द टॉपेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इकोनमी। दुनिया की अर्थव्यवस्था टॉप पर सी साडी देश की अर्थव्यवस्था। डिफरेंट टाइम पर जो ट्रैवलर साढ़े देश के विच आए ने बाहरले देशों तो, चाहे ह्यूनसांग है, बैरूनी है, बैतूता है, उन्होंने बुक्स के साफ स्पष्ट होंगे कि साढ़े देश में उन्होंने एज ए गोल्डन स्पैरो, गोल्डन आइलैंड, स्वर्ण भूमि, स्वर्ण महाद्वीप, यहोजे नाम दिते। एक कॉन्सैप्ट ही अपने आप क्लीयर करता है कि इंडियन इकोनमी रिचेस्ट इकोनमी के शामिल सी। स्टूडेंट्स, जो भारतीय उप महाद्वीप की अर्थव्यवस्था की असी गल करते हैं, दुनिया की अर्थव्यवस्था की तुलना करते हुए, तो दूसरा पार्ट जो समय के आधार पर असी देख सकते हैं, वह है इन प्री कलोनीयल पीरियड, बस्तीवाद तो पहला वाला समा। बस्तीवाद पीरियड कहड़ा सी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने दुनिया के बहुत सारे देशों पर अपना इनवेड किया, कब्जा किया, तो इकोनमीज नू तहस नहस करके रखता अंग्रेजों के आन तो पहला। साढ़े देश दे विच लगातार बहुत सारे जो दुनिया के इनवेडर सी, हमलावर, उन्होंने हमले किए, उन्होंने इत्थे दी बहुमुली संपदा नू लुटिया, तहस नहस करन दी कोशिश की साढ़े देश की अर्थव्यवस्थावां नू, साढ़े देश की अर्थव्यवस्था नू पूर्ण रूप से तहस नहस करन दी हमेशा कोशिश हुई। इत्थे दे बहुमुले साधनां नू लुट के अपने देश दे विच ले गए। उस तो बाद जो मुस्लिम पीरियड जिसनों नाम के नाम जानते हैं, जिस दे विच औरंगजेब, शाहजहां, अकबर वर्गे शासक जिन्होंने इत्थे ही साढ़े देश दे विच राज कीता, उस दौरान भी या उस तो पहला जो इनवेडर्स ने साढ़े देश से हमले किए ने,
उस टाइम भी इंडियन इकोनमी रिचेस्ट इकोनमी दे विच शामिल सी। सिल्क रूट की गल करिए जां स्पाइसिस रूट की गल करिए, उन्हां रूट्स की वरतों करते हुए इंडियन सब कॉन्टीनेंट दे विचों बहुत वड्डा व्यापार यूरोप ते सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ नाल हुंदा सी। साडा देश दुनिया की अर्थव्यवस्थावां दे विच अपनी एक विलक्षण पहचान बना के रखी हुई सी, तमाम इनवेडर्स के बावजूद भी, इनवेडर होंदे ने हमलावरां दे बावजूद भी, बहुत सारिया ने साडे देश दे उत्ते इनवेड कीता ते बहुत कुछ इत्थों लुट के ले गए। क्योंकि आपां हिस्टरी नहीं पढ़ रहे, आपां बिजनेस स्टडी पढ़ रहे हैं, आपां उन्नी डिटेल दे विच उन्हां कॉन्सेप्ट की गल इस सबजैक्ट दे विच नहीं करांगे। फ्रेंड्स एक गल ध्यान दो, इन द प्री कलोनियल पीरियड, पूर्व बस्तीवादी जो पीरियड है उस तो पहला, भाव ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश शासकों के इत्थे आने तो पहला भी भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति बड़ी स्ट्रोंग सी। 1700-1750 वाला जो स्पैन सी उसके जो डिफरेंट अंकड़े साढ़े सामने आ रहे हैं कि दुनिया की लगभग 25% जो इंडस्ट्रियल शेयर सी वो इंडियन अर्थव्यवस्था का हुंदा सी। उद्योगिक जड़ा उत्पादन हुंदा सी उस 25% हिस्सा इंडियन सब कॉन्टीनेंट हुंदा सी। इट्स बिग बिग शेयर। स्टूडेंट्स इस तो बाद साढ़े देश दे विच एक ब्लैक पीरियड शुरू होया जिसनों इकनोमिक पक्ष तो असी एक काला समा कह सकते हैं, उस सी अंडर ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश शासकों ने की किया कि यूरोप दे विच उद्योगिक क्रांति आ चुकी सी, बड़ी बड़ी मशीनरी उत्थे एस्टैबलिश हो गई, बड़ी इंडस्ट्री एस्टैबलिश हुई। साढ़े देश दे विच ब्रिटिश शासकों ने कोई उद्योग डिवेलप नहीं होन दिता, रादर साडा कच्चा माल सस्ते या बिल्कुल फ्री रेट दे उत्ते साडे देश तो शिफ्ट करके यूरोप दे विच या अपने देश दे विच ले गए। उत्थों बनया होया माल जो फिनिश्ड गुड सी साडे देश दे कंज्यूमर नूं ही महंगे रेट दे उत्ते वेचिया। किस ढंग दे नाल ब्रिटिश शासकों ने साडे साधनां दी एक्सप्लाइटेशन भी की थी? ना तो साडे देश दे विच एजुकेशन दे रूप दे विच कोई डिवेलपमेंट हुई, ना साडे देश दे विच ब्रिटिश शासन दे दौरान किसी भी तरह की इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट हुई, तो साडे देश दी आर्थिक ढांचा सी जिहड़ा जर्जर हो गया। तो आर्थिकता की हालत यह होगी कि जिहड़ा दुनिया की वैल्थ का या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का 25% हिस्सा रखने वाला देश जदों 1947 च साडा देश आजाद होया तो हिस्सा घट के सिर्फ 2% रह गया। दैट इज अ ट्रेजिक पीरियड विद अस। साड़ी अर्थव्यवस्था नू तहस नहस करके रखता ब्रिटिश शासकों ने। एसी ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड साढ़े आर्थिकता की स्थिति की सी दुनिया की इकोनमी के मुकाबले दे विच। स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ टूडेज कॉन्टेंट इज प्रेजेंट स्टेट ऑफ इंडियन इकोनमी, जिसनों प्रेजेंट स्टेटस ऑफ इंडियन इकोनमी कह सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति की है, इसनों भी दो हिस्सों वंड के चर्चा कर सकते हैं। एक तो 1947 तो लेके 1990 तक का पीरियड, 1990-91 का पीरियड। मैं इसनों दो हिस्से क्यों कह रहा, ये बारे भी तो गल कर दें, तो एक 1990 तो बाद वाला पीरियड। स्टूडेंट जो 1947 देश आजाद होया तो साड़ी आर्थिक हालत बहुत माड़ी सी, जिवें मैं तुहानूं पहलां दस्सिया ब्रिटिश शासकों ने साड़ी जर्जर ढांचा बना के रखता सी आर्थिकता नूं। तां देश नूं एक नवे सिरे तो रीशेड्यूल्ड करन दी जरूरत सी देश दी आर्थिकता नूं। तां देश दी आर्थिकता नूं नवे सिरे तो दोबारा उसारन दी जरूरत सी। इस दे लई साड़े देश दे विच पूर्ण आर्थिक योजनावां बनाउण दे लई, तां कि देश दी इकनोमिक डिवेलपमेंट हो सके, साड़े देश प्लैनिंग कमीशन एस्टैबलिश कीता गया जिसने 5-year प्लैन्स बना के लगातार देश के लिए प्रॉपर एक ढांचा तैयार करके इकनोमिक डिवेलपमेंट के अहम भूमिका निभाई। 1951 तो पहली 5-year प्लैन लागू हुई साढ़े देश के दे प्लैन के योजना बनाई जाती सी अलग अलग प्लैन्स के किस खेत्र के कितना पैसा खर्च किया जाएगा, की टारगेट रखे जाएंगे डिवेलपमेंट के, किन्ने टारगेट अचीव हो सकते हैं, उन्होंने बारे डिटेल्ड चर्चा की जाती सी ते उस दे अकॉर्डिंगली आर्थिक ढांचे काम किया जाता सी। फिर 1956 तो 61 की प्लैनिंग हुई 5 साल की, फिर 61 तो 66, फिर 61 तो 65 के पीरियड के इंडिया नू दो युद्धों का सामना करना पिया, 62 के चाइना नाल, 65-66 के पाकिस्तान नाल। तां उस समय साडियां योजनावां पूरी तरह फेल हो गई, तो सरकार ने 3 साल कोई योजना नहीं बनाई, उसनों असी एक तरह की प्लैन होलीडे कहने 66 तो 69 तक, 1966 तो 1969 तक इनू प्लैन हॉलीडेज का नाम दिता गया। उस तो बाद फिर 5-year प्लैन लगातार बनदियां आ रही ने।
प्रेजेंट गवर्नमेंट जो इस समय साढ़े देश दे विच चल रही है, जो 2014 दे विच आई तो इसने प्लैनिंग कमीशन वाला ढांचा बदल के साढ़े देश दे विच नीति आयोग की स्थापना की थी। ते साड़ी लास्ट 5 ईयर प्लैन सी फॉर योर काइंड इनफॉर्मेशन वो सी 2012 तो 2017 तक दी। इस तरह साढ़े देश दे विच समय समय से उद्योगिक नीतियां भी बनिया, जो डिफरेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी साढ़े देश बन चुकी ने, चाहे 1948 की पॉलिसी है या 1956 1973 1980 1991 की जी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज ने, उन्होंने भी चेंज करते करते समय समय से बहुत सारिया उद्योगिक नीतियां भी बनाई गई ताकि देश का आर्थिक विकास हो सके। इन्हों सारे का नतीजा ही है कि साडा देश दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होया, ना केवल खड़ा होया बल्कि दोबारा असी दुनिया की अज के समय के सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनमी बन के खड़े हाँ। छेवीं दुनिया की टॉप मोस्ट अर्थव्यवस्था के छेवीं अर्थव्यवस्था है साड़ी इस समय, तो टारगेट पंजवीं चौथी इस तो भी अगे जाता है, इरादे बड़े मजबूत ने। इस डिफरेंट सरकार जो भी आई उन्होंने अपने पद्धर से उपराले किए। थोड़ी जानकारी लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट गल तुहाडे नाल मैं सांझी कर दूं, साडे देश दे विच आर्थिक तरक्की दे लई एक मिक्सड अर्थव्यवस्था बना के चलिया गया, थोड़ी जी समाजवादी अर्थव्यवस्था ते थोड़ी जी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। लेकिन 1991 तक पहुँचते पहुँचते साडा देश इकोनॉमिकली काफ़ी हद तक पिछे महसूस होया, क्योंकि दुनिया के सोशलिज्म खत्म होता जा रहा है, समाजवाद खत्म होता जा रहा है, दुनिया की सारिया सरकार पूंजीवाद के वल वध रही सी, कैपिटलिस्ट इकोनमीज के वल वध रही सी। ठीक रस्ते इस रस्ते से साडा देश भी चलिया, प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव तो उस समय साढ़े फाइनांस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जो बाद साढ़े प्रधानमंत्री भी हुए ने, उन्हां दी अगवाही दे विच इंडिया ने WTO ते साइन किए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक समझौता सी जिस दे अंतर्गत LPG दे कंसैप्ट नूं बहुत वड्डी अहमियत दित्ती गई। इस तों बाद दुनिया दे बहुत सारे देशां ने WTO ते उत्ते साइन किए। 1 जनवरी 1995 तो साढ़े देश दे विच WTO दियां शर्तां लागू हुई ते साड़ी इकोनमी का टोटल ढांचा LPG दे वल वध गया। L तो लिबरलाइजेशन, P तो प्राइवेटाइजेशन, G तो ग्लोबलाइजेशन। LPG लिबरलाइजेशन उदारीकरण होया, सारी जगह ते सरकारी तंत्र नहीं सी, निजी खेत्र नूं भी अगे वधावा दिता गया। इस तो इलावा इस दे नाल प्राइवेटाइजेशन नूं वाधा दिता गया, निजीकरण होया चीज़ां दा, जिहड़ी सरकारी संस्थावां सी घाटे चल रही सी, ते नाल ही ग्लोबलाइजेशन अर्थव्यवस्था एक देश तक सीमित ना हो के दुनिया के सारे देशों के नाल व्यापार करन दे विच अहमियत दिती गई। स्टूडेंट्स एक गल होर, ये सिर्फ साडे देश नहीं होया, दुनिया के मैक्सिमम देशों के विच जो WTO दे ते साइन करके आर्थिक विकास का जो रस्ता सी वो टोटली बदल गया 1995 तो बाद। WTO तो पहला भी की कोई संस्था सी? यस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक समझौता सी दुनिया के देशों के विच आर्थिक तरक्की दे लई। इस तो पहला इहदा नाम सी GATT, GATT, ते उपर साडे देश ने 8 जुलाई 1948 दे विच साइन करके इसका मेंबर बनया सी GATT दा। लेकिन उसकी शर्तों के कुछ मुश्किल से बहुत सारे देश उसका विरोध करते, फिर GATT की जगह ले ली WTO ने। WTO ते GATT के बारे डिटेल वीडियो मेरे इस चैनल पर, उसका लिंक भी मैं अज पा रहा, तुसी उसनों जरूर देखियो ताकि पता लगेगा कि देश दे विच आर्थिक तौर पर डिवेलपमेंट्स किवें हो रही ने, किहड़ियां ऑर्गनाइजेशन साड़ी डिवेलपमेंट नूं किहड़े समझौते असर करते हैं। स्टूडेंट्स इन्हां सारियां कोशिशां दे कारण अज साडा देश दुनिया दे विच आर्थिक तौर पर वड्डियां अर्थव्यवस्थावां दा दोबारा हिस्सा बन गया, जिहड़ा कि 1947 च जदों इत्थों ब्रिटिश शासक गया बहुत पिछड़ चुक्या सी। तुहाडी जानकारी दे लई कुछ इंपॉर्टेंट डाटा जिदे नाल साडा सिर बड़ा फकर नाल भी उच्चा हुंदा है एक हिंदुस्तानी होने के नाते। अज बहुत सारियां सरकारां दियां अलग अलग कोशिशों के सदका लार्जेस्ट मैनुफैक्चरर ऑफ जेनरिक ड्रग्स साडा देश है, जिन्निया भी दवाइया मर रही ने जेनरिक उन्हां दा सब तो बड़ा प्रोड्यूसर साडा कंट्री है। फार्मास्यूटिकल सैक्टर जिहड़ा दवाइया वाला खेतर है, उसका 50% ग्लोबल जो वैक्सीनेशन प्रोड्यूस होंदे ने वो साडे देश दे विच प्रोड्यूस होंदा है।
ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕਡ ਸੈਕਿੰਡ ਇਨ ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਫਥ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹਾਂ, ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਸੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹਾਂ, ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਕੋਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ FDI ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫੋਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰੀਏ, ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕਿੱਲ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸਕਿੱਲਡ ਹੋਣ, ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਸਕਿੱਲਡ ਹੋਣ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੇ। ਇਹ ਅਨਸਕਿੱਲਡ ਵਰਕਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ, ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਚੇਂਜਿਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਡਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫੋਰਨ ਦੀ ਕਰਵਾਈਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਮਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾ ਮੰਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜੋ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਇੰਪੋਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੰਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਸੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਹੀਕਲਸ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹੀਕਲਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਦਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਰਮਾਸੂਟੀਕਲ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਹੈ, ਪੋਰਟਸ ਨੇ, ਰੋਡ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਸਪੇਸ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਥਰਮਲ ਪਾਵਰਸ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਵੈਲਨੈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਓਇਲ ਐਂਡ ਗੈਸ ਦੇ ਕੋਨਸੈਪਟ ਨੇ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੋਨਸੈਪਟਸ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਐਫਰਟਸ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਕੰਕਲੂਸਿਵ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਅ ਰਿਚ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਐਨੀਸ਼ੀਅੰਟ ਟਾਈਮ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਲਡ ਪੁਆਇੰਟ ਅਬਾਊਟ ਇਕੋਨਮੀ। ਵੈਨ ਵੀ ਕੰਪੇਅਰ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਵਿਦ ਵਰਲਡ ਇਕੋਨਮੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਦ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਮ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਜੇ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅੰਧੇਰਾ ਤੋਂ ਅਭੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਸਕੇ ਛੰਟਨੇ ਕਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਉਹ ਵਕਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਾ ਹੋਲ ਕੰਸੈਪਟ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਕਲੀਅਰ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੋਪਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਮਰਸ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਮੇਰੇ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਮੈਕਸੀਮਮ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਟਿਲ ਦੈਨ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।